मैं पास्टर राकेश पॉल आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ने जितने सारे फ़ोन कॉल किए और जो ईमेल हमें लिख रहे हैं उसके द्वारा हम उत्साहित हो रहे हैं और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो छत्तीसगढ़ में हो असम में हो झारखंड में हो बिहार में हो बहुत सारे स्टेट से हमें लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हाल आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने अपने बाइबल को अपने हाथ में ले और मेरे साथ बोले ये मेरी बाइबल है इसमें जो लिखा वो सत्य है इसमें जो लिखा वो मैं हूँ इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूँगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है ईस्टर आने वाला है उससे पहले गुड फ्राइडे और उससे पहले हम देखते हैं पाम संडे आज पाम संडे के विषय में मैं आपको बताऊंगा और उस घटना को जो है कोशिश करूंगा कि समझाए आपको समझाए और हम उससे कुछ सीख सकें यदि आप बाइबल में देखेंगे तो यहुन्ना रचित सुसमाचार उसका बारह अध्याय और बारह और तेरह पद यदि हम पढ़ें तो उसमें इस प्रकार लिखा है दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है इसलिए उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे होशान्ना धन्य इसराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है परमेश्वर उसके वचन पर पड़ जाने पर आश दे हम जानते हैं पाम संडे के विषय में जब यीशु मसीह जो है यरूसलम में प्रवेश हो रहा है तो बहुत सारे लोग जो है खजूर की डालियाँ को लेकर रास्ते पर बिछा रहे हैं कुछ लोग अपने वस्त्र बिछा रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं यीशु मसीह को यहूदियों का राजा कहते हैं प्रभु के नाम पे जो आता है वो धन्य है उसके लिए जो है सब प्रकार की ये कार्यक्रम को कर रहे हैं एक बार ऐसा होता है एक बच्चा जो है वो बीमार पड़ जाता है और चर्च नहीं जा पाता संडे को और उसके पिताजी चर्च जाते हैं और वो अपनी माँ के साथ घर में ही बैठा रहता है जब पिताजी वापस आए तो हाथ में जो है खजूर की टहनी थी तो उसने पूछा कि पिताजी ये खजूर की टहनी जो है आप क्यों लेकर आए हैं आज आपके हाथ में खजूर की टहनी देख के जो है हर संडे तो मिलता नहीं है तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा जब यीशु मसीह शहर में आए तो सब लोग जो है खजूर की टहनी लेकर उनको वेव किए उनका स्वागत किए तो ये बच्चा कहता है अरे जिस संडे को मैं नहीं गया उसी दिन यीशु मसीह को आना था मैं फिर मिस कर गया यीशु मसीह को देखिए ये सारे लोग जो है यीशु मसीह के लिए नाच रहे थे गा रहे थे खजूर की टहनियाँ लगा रहे थे अपने अच्छे अच्छे वस्त्र को बिछा रहे थे कि यीशु मसीह जस जब उस गधी के बच्चे पर बैठ के आ रहा है तो उसका स्वागत करें उसके लिए बड़े बड़े शब्द बोल रहे थे स्तुति आराधना कर रहे थे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन हम जानते हैं कि पाम संडे के बाद जस्ट पाँच दिन के बाद जो है वो गुड फ्राइडे आता है ये सारे लोग जो जितने उत्साहित है आज इतने खुशी मना रहे हैं अचानक से क्या होता है इनके जीवन में कि यही लोग कह रहे हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ पर चढ़ाओ पर चढ़ाओ पाम संडे के दिन कहते हैं वो यहूदियों का राजा है वो कहते हैं धन्य है यीशु, उसकी स्तुति आराधना करते हैं उसके लिए नाचते हैं गाते हैं लेकिन पाँच दिन के बाद ये सारा सेलिब्रेशन जो था वो जो है एक दूसरे मोड पे चला जाता है और वो लोग कहते हैं यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ क्रूस पर चढ़ाओ यदि हम पढ़ते हैं वचन में तो लिखा हुआ है कि हाकिमों के द्वारा एक रीति थी कि वो पूछते हैं कि तुम्हारे लिए इस पर्व में किसी एक कैदी को छोड़ना है तो किसे छोड़ दे तो सब लोग कहते हैं कि बरबा को छोड़ दो बरबा को छोड़ दो और उन्होंने कहा कि फिर यीशु जो मसीह कहलाता है उसका क्या करें तो यही लोग जो यीशु के लिए नाच गा रहे थे पाम संडे के दिन वही लोग कहते हैं उसे क्रूस पर चढ़ाओ क्रूस पर चढ़ाओ क्रूस पर चढ़ाओ मैं इसके विषय में सोच रहा था तो मुझे लगा क्यों अचानक से ये पाँच दिन में लोग जो है इतना परिवर्तित हो गए क्यों लोग इतना बदल गए हमें मालूम है कि लोगों को बदलने में समय नहीं लगता है लेकिन ये लोग जो यीशु के लिए नाच रहे हैं गा रहे हैं अचानक से जो है पाँच दिन में वो बदल जाते हैं और कहते हैं यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ उसको मार दो हमें उसकी जरूरत नहीं है या ऐसा क्यों हो गया बिलीग्राम कहते हैं द बिगेस्ट मिशन फील्ड इज नॉट आउटसाइड बट इन साइड द चर्च कलिशिया के अंदर जो मिशन फील्ड है वो बहुत बड़ा है हम जो है गॉस्पल में भी पाते हैं एक अध्याय में तीन चीज खोया हुआ था एक पुत्र खोया हुआ है और एक भेड़ खो गई है और एक सिक्का खो गया है पुत्र और भेड़ जो है वो भवन के बाहर खोया था लेकिन सिक्का वो घर के अंदर खोया था मित्रों कलिसिया में आप कई ऐसे लोगों को पालेंगे शायद आपके जीवन में जब आप वचन को सुन रहे हैं शायद आप अंदर से खोए हुए हैं बाहर से भी इस बनावटीपन एक नकाब लेकर होसाना हसाना गा रहे हैं लेकिन शायद आपको बदलने में टाइम नहीं लगे कि उसे कहे कि पर चढ़ाओ क्रूस पर चढ़ाओ जब इस क्वेश्चन में सोच रहा था कि लोग बरबा को उस डाकू को चाहते हैं और यीशु को नहीं चाहते यीशु को क्रूस पर चढ़ाना चाहते हैं लेकिन अभी तो गाना गा रहे थे अभी तो हसन्ना कह रहे थे अभी तो धन्य कह रहे थे क्यों ऐसा हुआ मुझे लगता है दे हैड रिलीजियन बट दे फॉर गॉड जीजस दे मिस जीजस उनके पास धर्म तो था लेकिन वो यीशु को भूल गए मैनी टाइम्स वी क्रिश्चन्स वी फॉलो रिलीजन बट वी फॉरगेट टू फॉलो द गॉड ऑफ आवर रिलीजन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ जैसे पाम संडे आ रहा है आप अपने दिल को झाँकी कि क्या हम धर्म के पीछे पीछे ही रीति रिवाज के पीछे ही ऐसे चले जा रहे हैं कि हम ये शु को सचमुच में व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उसे अपना प्रभु मानते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि उनके पास रिलीजन था बट ट्रू फेथ नहीं था और इस पाम संडे में के समय में मैं बताना चाहता हूं कि ये पाम संडे मुझे आपको सिखाता है कि ट्रू फेथ सच्चा विश्वास यीशु पर करना हाउ कैन वी डेवलप ट्रू फेथ ये सच्चा विश्वास कैसे होगा कैसे हम अपने जीवन में पता कर सकते हैं कि मेरे जीवन में यीशु के प्रति सच्चा विश्वास है मैं आपको तीन बातें आज बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि सच्चा विश्वास कैसे हम डेवलप कर सकते हैं हाउ कैन वी डेवलप ट्रू फेथ एंड वॉट इज दिस ट्रू फेथ नंबर वन अ ट्रू फेथ इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड बट इट इज क्राइस्ट सेंटर्ड यह सच्चा विश्वास जो है स्वयं पर निर्धारित नहीं रहता है केंद्रित नहीं रहता है लेकिन मसीह पर केंद्रित रहता है हम कई बार परमेश्वर को अपने बेनिफिट के लिए जो है पूछते हैं कि ठीक है प्रभु हम आपके पीछे चल रहे हैं ताकि मेरा ये काम हो जाए हम परमेश्वर को अपना प्लान दे देते हैं बोलते हैं प्रभु आप हमारे प्लान को जो है आप पास कर दीजिए हमारी योजना को पूर्ण कर दीजिए बहुत सारे समय जो है हम देखते हैं चेले लोग के समय में बहुत सारे लोग भीड़ के भीड़ जो है यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलती थी क्योंकि उस यीशु मसीह उन्हें भोजन खिलाता था यीशु मसीह उनके लिए चमत्कार करता था उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो है चमत्कार कर सकता है वो महान कार्य कर सकता है तो कैसे ना कैसे जो है अपना योजना सेल्फ सेंटर्डनेस अपना योजना किसी प्रकार से येशु मसीह के ताक़त से हम फुलफिल कर लें ये सारे लोग जो होसन्ना होसन्ना गा रहे थे जब येशु को देखा एक राजा के रूप में तो बहुत अच्छा लगा उनको लेकिन जब येशु अपना जान देने के लिए प्राण देने के लिए जब कोड़े खाने लगा और लोग उसके वस्त्रों को बांटने लगे और उसे क्रूस पर चढ़ा जाने लगा तो उन्होंने सोचा नहीं 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 ये येशु मसीह हमें जो है ये रोमियों के जो दासत्व से छुड़ा नहीं सकता इसलिए हमें यीशु नहीं चाहिए हमें कौन चाहिए बरब्बा चाहिए ताकि वो तलवार लेके कम से कम लड़े एक सेल्फ सेंटर्डनेस मेरी आवश्यकता किसी तरह पूरी हो जाए इसलिए हम प्रभु के पीछे चलते हैं प्रभु मैं आपके पीछे इसलिए चलता हूँ ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए मेरी बेटी ठीक हो जाए प्रभु मेरा जो बीमारी है मेरे शरीर में वो ख़त्म हो जाए हम किसी न किसी तरह जो है अपने जो कामों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पीछे चलते हैं लेकिन पाम संडे हमें याद दिलाता है कि वी हैव टू हैव ए ट्रू फेथ यद्यपि बीमारी खत्म भी ना हो चाहे मेरे जीवन में कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा हो चाहे मेरी शारीरिक दुर्बलता दूर क्यों नहीं हो रही हो चाहे मेरा फाइनेंस बदल भी नहीं रहा है लेकिन प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं अगर आप सच्चा विश्वास करते हैं तो आपका केंद्र प्रभु होगा ये नहीं कि प्रभु क्या करते हैं प्रभु आपका केंद्र होगा चाहे आपको मिले चाहे नहीं मिले फिर भी आप उसके पीछे चलते रहेंगे इन लोगों ने सोचा कि जैसे मिस्र में से परमेश्वर ने लोगों को निकाल लिया बंधवाई में से वैसे ही यीशु मसीह भी हमें रोमियो के अधीन से निकालेगा और इसीलिए वो पीछे पीछे होसाना होसाना यहूदियों का राजा चिल्ला रहे थे जब देखा कि यीशु मसीह को कोड़े लग रहे हैं कहता नहीं नहीं ये तो खुद नहीं कर सकता अब हमारी क्या रक्षा करेगा इसलिए वो छोड़कर बरबा के पास चले गए कई बार हम धर्म के पीछे चलते हैं रीति रिवाज के पीछे चलते हैं लेकिन प्रभु क्या कहते हैं उसके पीछे नहीं चलते मित्रों मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ अपने बेनिफिट के लिए प्रभु के पीछे पीछे ना चले अपने बेनिफिट के लिए ही प्रोग्राम को ना देखें अपने बेनिफिट के लिए कि मेरा किसी तरह मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए मुझे नौकरी मिल जाए मेरे बेटे की शादी हो जाए मेरा बेटा घर वापस आ जाए वो ऐसा हो गया है मेरी जो सारी बीमारी है शरीर में वो जाती रहे मेरा डायबिटीज खत्म हो जाए इसीलिए हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं अगर वो कारण है तो गलत है प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में देखें देखें कि वो आपसे बहुत प्यार करता है कहे प्रभु अगर कुछ भी ना हो कोई चमत्कार भी ना हो फिर भी मैं आपके पीछे चलूंगा मैं आपके पीछे चलूंगी एक स्पेन की एक कहानी है कि वहां पर एक कल्चर था कि राजा जो है आते हैं और पूरे गांव वालों से मिलते हैं पूरे गांव वाले उनका स्वागत करते हैं लेकिन कई सालों से जो है राजा नहीं आ रहे थे फिर लोगों को सूचना मिली कि राजा जो है आने वाले हैं अब पूरे गांव को विजिट करेंगे वो और लोगों से मिलेंगे तो बहुत सारे लोग खुश हो गए क्योंकि कई वर्षों से राजा ने आया नहीं था तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक जगह मिलेंगे एक बहुत बड़ा हौद बनाएंगे और सब लोग अपने घर से जो है एक कप जो है सबसे अच्छा वाइन जो है दाखरस लेकर आएगा हम लोग जो है सारे अच्छे वाइन को दाखरस को मिला देंगे और जब राजा आएगा तो राजा को देंगे और ऐसा हुआ वो दिन आ गया कि राजा को देना था क्या हुआ कि सारे लोग जो आए वहाँ पर इकट्ठा हो गए और वो जो है हौद जो है भरा हुआ था जब राजा आए तो राजा को एक चांदी की प्याली दिया कप दिया और राजा को कहा है राजा आप इसमें से पीजिए उसका स्वागत करने के लिए राजा जब उसे पिया तो वो सिर्फ पानी था राजा जो है उसका बहुत बड़ा निरादर हो गया और वो बहुत क्रोधित हो गया एक्चुअली हुआ क्या था कि लोग सोच रहे थे एक ने सोचा कि सब तो अच्छा दाखरस लेकर आएंगे ही मैं पानी ही लेकर जाता हूं तो क्या होगा लेकिन सभी लोगों ने यही सोचा कि भाई मैं पानी लेकर जाता हूं क्या दूसरे लोग तो दाखरस लेकर आएंगे एक कप पानी से थोड़ी पता चलेगा राजा को लेकिन क्या हुआ सारे लोग भी ही पानी लेकर आए कोई भी अच्छा दाखरस लेकर नहीं आया हम किसी तरह अपना काम निकालने के लिए परमेश्वर के पीछे चलते हैं यदि आपका ये एटीट्यूड है तो बदलने की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पूर्ण मन से तन से धन से पूरी ताकत से संपूर्ण इच्छा से प्रभु के पीछे चले तभी परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेगा तभी परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अच्छे कार्य को करेगा तभी हम सच्चे रूप से जो है पाम संडे मना सकते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है हम देखते हैं द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अ ट्रू फेथ इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप जो सच्चा विश्वास है वो एक रिश्ते पर जो है निर्भर करता है रिलेशनशिप विद गॉड रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट हम अपना व्यक्तिगत रिश्ता जो है उसके साथ रखें ऑल द पीपल वाउटिंग हाल एलिया प्रेस द लॉर्ड होशाना होशाना वाय बिकॉज अदर पीपल आर शाउटिंग सब लोग चिल्ला रहे हैं इसलिए हम भी चिल्ला रहे उस समय यह एक ट्रेंड बन गया था किसी ने खजूर की डालियां दिखाई तो दूसरा देखा अच्छा हम भी दिखा देते हैं तीसरा ने अपना वस्त्र निकाला चौथा ने बोला हम भी निकाल लेते हैं हम भी दिखा देते तो एक दूसरे को देख कर बिना सोचे समझे कर रहे हैं कई बार हम भी तो ऐसे ही करते हैं संडे है तो चाहे जाना है तो चले गए इसलिए नहीं कि एक पैशन है मेरा इसलिए नहीं कि मुझे जाना है अपने परमेश्वर की आराधना करना है कलिसिया हम अपने लिए नहीं जाते हैं कलिसिया हम लेने के लिए नहीं जाते हम देने के लिए जाते हैं हम क्या देने के लिए अपना प्रेज अपना स्तुति आराधना अपना बेस्ट अपना धन अपना आवाज अपने शरीर सब कुछ हम देने के लिए जाते हैं कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा आज का स्तुति आराधना बड़ा अच्छा लगा कहते हैं ना आज बहुत अच्छा लगा मुझे कलिसिया में कलिसिया आपके अच्छे लगने के लिए नहीं है क्या आपने पूछा परमेश्वर से प्रभु आज जो मैंने ताली बजाया क्या आपको अच्छा लगा प्रभु प्रभु आज जो मैंने गाना गाया क्या आपको अच्छा लगा प्रभु हम वहाँ पर जितना चीज करते हैं वो प्रभु को अच्छा लगने के लिए करते हैं खुद को अच्छा लग रहा है नहीं करते हम क्या करते हैं वहां गाना के सेलिब्रेट करके आ जाते हैं? बहुत अच्छा लगा आज तो बहुत मजा आया प्रेज़ द लॉर्ड बहुत अच्छा लगा लेकिन समय यह है कि प्रभु से पूछे प्रभु आपको कैसा लगा प्रभु मैंने प्रचार किया आपको कैसा लगा प्रभु मैंने गीत गाया आपको कैसा लगा प्रभु मैंने जो दान दिया ना वो आपको कैसा लगा प्रभु मैंने जो गवाही दी वो आपको कैसा लगा अ ट्रू फेथ ज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप सच्चा विश्वास जो है व्यक्तिगत रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है सब लोग पर चढ़ाओ पर चढ़ाओ बोलने लगे तो ये भी पर चढ़ाओ बोलने लगे सब लोग हौसारा हसर बोल रहे हैं तो ये भी हौसारा बोल रहे हैं जो सब लोग बोल रहे हैं वही करना कई बार बिल्कुल आसान हो जाता है जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग वी डोंट हैव टू डू इट वी हैव टू हैव अ पर्सनल इनकाउंटर विद जीजस क्राइस्ट जब आपको कोई बाइबल पढ़ने नहीं बोलता है तो क्या आप पढ़ते हैं जब आपको कोई जो है प्रार्थना करने नहीं बोलता है तो क्या आप प्रार्थना करते हैं अगर नहीं करते उसका मतलब कि आपका व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा के साथ जो है रिश्ता स्थापित नहीं हुआ आप व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ रखिए परमेश्वर उतना ही आपसे प्यार करता है जितना आपके माँ बाप से प्यार करता है जितना आपके, आपके बच्चों से प्यार करता है वो आपके हर बातों को सुनने के लिए तत्पर है एक इनकाउंटर होना चाहिए व्यक्तिगत इनकाउंटर परमेश्वर पर्सनल रिलेशनशिप अपना जितना प्लान है योजना है सब जो है परमेश्वर के समक्ष रखिए कि प्रभु आप इसमें क्या चाहते हैं इसके द्वारा जो है कैसे आपकी महिमा हो सके परमेश्वर जीज इज लुकिंग फॉर द पर्सनल रिलेशनशिप आर यू रेडी टू हैव द पर्सनल रिलेशनशिप क्या आप उसकी सुनते हैं क्या आप जो है प्रार्थना करते हैं उससे बातचीत करते हैं यीशु मसीह प्रभु होने के बाद भी क्वेश्चन में लिखा है हर सुबह पॉप फोटने से पहले वो परमेश्वर से क्या करता था प्रार्थना किया करता था पर्सनल रिलेशनशिप वो सुनता था परमेश्वर से प्रभु परमेश्वर आप क्या चाहते हैं पिता परमेश्वर आप मेरे जीवन में क्या चाहते हैं हम भी और आप भी ऐसा करें परमेश्वर हमें ऊंचाइयों में ले जाएगा मित्रों हाल भैया द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स आई टोल्ड यू ऑलरेडी टू थिंग्स मैंने आपको दो चीज बताया मैंने बताया अ ट्रू रिलेशन इज शिप इज नॉट बेस्ड ऑन सेल्फ सेंटर्डनेस बट इट इज बेस्ड ऑन क्राइस्ट सेंटर्डनेस सेकेंड थिंग आई टोल्ड यू अ ट्रू फेथ इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट एंड द थर्ड थिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अ ट्रू फेथ विल नॉट बिकम वीक ड्यू टू आवर पर्सनल ट्रायल्स एंड क्राइसिस अगर हमारे जीवन में व्यक्तिगत ट्रायल्स आते हैं व्यक्तिगत चुनौतियां आती है बीमारी आती है गरीबी आती है श्राप आता है हमारे धन की कमी हो जाती है ये सारे जॉब चले जाते हैं जितने ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन आते हैं हमारा अगर सच्चा रिश्ता प्रभु के साथ है तो हम हमेशा टिके रहेंगे हम अडिग रहेंगे लिखा है दोज हुम टी फाइव वर्स वन एंड टू दे आर लाइक माउंट जायोन विच रिमेन्स फॉर एवर इट कैन नॉट बी शेकन हाल हाल जो यह पर भरोसा रखते हैं वो क्या कहते हैं सियोन पर्वत के समान है जो कभी टलते नहीं वरण सदा स्थिर रहते हैं दाऊद कहता है संकट के दिन मैंने यह को पुकारा और उसने मेरी सुन ली क्या आप यह को पुकारते हैं यह हो आपके तभी सुनेगा जब आप व्यक्तिगत रिलेशनशिप रखते हैं यदि आपका सच्चा विश्वास है तो चाहे जिंदगी में कितनी भी कितनी भी कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों हो आप सच्चा विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा हाँ ये जरूरी है कि हम जो है कई बार जो है कठिनाइयों के रास्ते से हमें गुजरना पड़े परमेश्वर ऐसा होने देता है दाऊद भी कहता है क्या कहता है चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में भी होकर चलूं फिर भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता एक सच्चा विश्वास जो है वो परमेश्वर पर करता है पाम संडे का समय है मैं उत्साहित करना चाहता हूं अपने जीवन को ताके झांके अंदर देखे क्या सब लोग फॉलो कर रहे हैं इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूं क्या मैं अपने फायदे के लिए परमेश्वर के पीछे चलता हूं कलिसिया जाता हूं अपने मज़े के लिए कलिसिया जाता हूँ क्या मैं अपने मज़े के लिए गिटार बजाता हूँ गाना गाती हूँ गाना गाता हूँ कि परमेश्वर के मज़े के लिए करता हूँ क्या मेरा व्यक्तिगत रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ है या क्या मैं जब कमजोरियाँ आती है बीमारी बीमारियाँ आती है तंगी आती है तो मैं चिड़चिड़ा हो जाती हूँ और प्रार्थना करना बाइबल पढ़ना सब बंद हो जाता है मेरे मित्रों ऐसा ना करें परमेश्वर जानता है कि आप चुनौतियों के दिनों में गुजर रहे हैं परमेश्वर जानता है कि तकलीफ हो रही है परमेश्वर जानता है कि आपके बिजनेस में घाटा लग गया है परमेश्वर जानता है कि आपके पैसे किसने ले लिए हैं और वो दे नहीं रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को बोले धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु मैं विश्वास की आंखों से देखता हूं कि मेरे जीवन में उन्नति हो रही है इस आंख से दिखाई नहीं देती है लेकिन विश्वास की आंखों से मैं देख पाता हूं चेले लोग जो है भीड़ में होसाना बोल रहे थे भीड़ में जो है बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि क्रूस पर चढ़ाओ लेकिन जो है जब यीशु मसीह के पीछे चलते थे तो भीड़ के भीड़ चली जा रही थी लेकिन जब यीशु मसीह पर ट्रायल्स आने लगा जब यीशु मसीह पर पर चुनौतियाँ आने लगी, तो उस समय बहुत रिस्क था लोग जो है भाग गए छोड़ के क्यों क्योंकि अकेला चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब ब्रदर पॉल दिनाकरण का मीटिंग होता है तो हजारों के हज़ारों संख्या के बीच में आप प्रभु यीशु मसीह का आराधना कर सकते हैं लेकिन क्या जब आप अकेले सड़क पर जा रहे हो चाहे अकेले अपने बाथरूम में हो अकेले अपने घर में है, तो उस समय क्या आप स्तुति आराधना कर रहे हैं क्या उस समय परमेश्वर की महिमा करते हैं भीड़ में करना कई बार बहुत आसान होता है मित्रों जब आप फाइनेंशली बहुत वीक है जब आपका बेटा बीमार है जब ये बीमारी नहीं जा रही है उस समय प्रभु की प्रशंसा करें परमेश्वर को धन्यवाद दें और आप देखिएगा कि आपका विश्वास सच्चा विश्वास और भी मजबूत होता जाएगा और वचन में लिखा है बिना विश्वास के यश परमेश्वर को खुश करना अनहोना है हाल आपका चमत्कार आपके विश्वास में है आपके शब्दों में है हाल आप अंगीकार करते रहे और आप देखिएगा एक परिवर्तन होते जा रहा है पाम संडे हमें सिखाता है दैट वी हैव हैव टू अ ट्रू फेथ इन जीजस क्राइस्ट सच्चा विश्वास हमें होना सिर्फ रिलीजन को फॉलो नहीं करना यशु को फॉलो करना एक लड़की जो है एक बागीचे में गई गार्डन में गई उसने देखा बहुत अच्छा फ्लावर है ब्यूटीफुल फ्लावर और जब देख रही थी देख रही थी तो देखते 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 जब नीचे देखी उसके जड़ को देखी जड़ के पास उसने देखा अरे ये तो बहुत गंदा मिट्टी है इतना अच्छा फ्लावर लेकिन उसका तना देखी जड़ देखी मिट्टी देखी ओ ये तो बहुत गंदा है ये तो डर्ट हो गया उसने क्या किया उसको उखाड़ लिया और लेके गई गए और बाल्टी में धोना स्टार्ट कर दी जब माली ने देखा तो उसको बोला बेटी तुमने मेरा सबसे अच्छा फूल को जो है बर्बाद कर दिया उसने कहा सर देखिए इतना अच्छा फूल है लेकिन जब मैं देखा उसको इसका जड़ जो है पूरा मिट्टी में बिल्कुल गंदा है इसलिए मैं इसको साफ़ कर रही थी माली ने कहा वो स्पॉट जो है सबसे अच्छा है जो तुम्हें दिख रहा है गंदा उसको वो मिट्टी को मैंने तैयार किया है और वहाँ पर उसको लगाया ताकि इसमें से बहुत अच्छा फूल आए कई बार आपको परिस्थिति लगता है परिस्थिति की गंदी हो गई है आपको लगता है कि जो स्थिति में आप है वो बिल्कुल पीड़ादायक है वो ठीक नहीं है लेकिन शायद परमेश्वर ने आपको वहां पर प्लेस किया है गॉड हैज अस एग्जैक्टली वेयर वी आर परमेश्वर ने ऐसा होने दिया है ताकि आपके जीवन में बहुत अच्छा फूल हो सके इस परिस्थिति शायद ये अच्छी नहीं है ये लेकिन यह एक भलाई उत्पन्न करने जा रही है आपके जीवन में होल्ड ऑन टू गॉड पाम संडे में अपने जीवन को प्रभु को दे दें व्यक्तिगत जीवन को प्रभु में दे दे, व्यक्तिगत रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्थापित करें सच्चा विश्वास उस पर रखें चाहे आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो प्रभु सक्षम है कि आपके जीवन में उसी परिस्थिति में बदलाव करें लेकिन सवाल ये है डू यू हैव अ ट्रू फेथ और यू आर जस्ट फॉलोइंग रिलीजन क्या आप सिर्फ धर्म के पीछे चले जा रहे हैं या आप एक सच्चा विश्वास यीशु के प्रति अपने जीवन में रखते हैं आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह सारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करते हैं उनके चुनौतियों को आप जानते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में महान कार्य करें इन पाम संडे में पिता परमेश्वर जो खुदाउन का वचन उन्होंने सुना अपने जीवन में सच्चा विश्वास को जागृत होने दे जड़ पकड़ने दे ताकि प्रभु आप खुश होकर अपने बच्चों को बहुतायत से आप आशीष दीजिए इनके परिस्थितियों में खुदाउन एक सकारात्मक रिजल्ट निकाल दीजिए पिता परमेश्वर जितने दुख तकलीफ से गुजर रहे पिता परमेश्वर उसको रियलिटी ना समझकर आपको रियलिटी समझकर आपके पीछे भागे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू जय मसीह की दोस्तों यदि आप बॉन्न टू विन कार्यक्रम से आशीषमय हुए हैं तो आप जरूर से हमारे दिए गए पते पर लिखें आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो हमारा जो नंबर प्रेयर हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है उस पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे बहुत सारे कॉल हमें आ रहे हैं और परमेश्वर लोगों को आशीष दे रहा है यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में डॉक्टर राकेश पॉल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप जो है नए नए वीडियोस को देखकर परमेश्वर के वचन को सीख सके और उसे आशीष प्राप्त कर सके और यदि आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर राकेश पॉल पेज आप फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं उसमें आपको बहुत सारे टीचिंग मटेरियल्स मिल जाएगा जिससे आप परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं यदि आप बॉन टू विन कार्यक्रम को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे बैंक डिटेल फोन पे पेटीएम सब आपके स्क्रीन पर दिया गया है आप जरूर सपोर्ट करें सुसमाचार फ्री है लेकिन उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमें आर्थिक रूप के में सहायता की जरूरत है आइए मिलकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें कोने कोने तक परमेश्वर का वचन फैलाए और एक साथ मिलकर हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताएं परमेश्वर आपको हाल प्रभु इस समय मैं विकास बढ़ाई के लिए प्रार्थना करता हूँ आप उसके जीवन में काम कीजिए जैसे वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में नया काम कीजिए ये साल उसके जीवन का के लिए उन्नति का साल आशा का साल और आगे बढ़ने का शाल हो सके परमेश्वर आपके दास होने के नाते उसके जीवन में आपकी उपस्थिति की घोषणा करता हूँ उसके जीवन में महान कार्य कीजिए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ आमीन